नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जो आज ही आपका एग्ज़ाम हुआ है 19 दिसंबर को, उसमें गणित और विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका पार्ट टू देखेंगे, ठीक ना। अभी मैंने पार्ट वन अपलोड किया है, ठीक ना। पार्ट वन में हमने 25 प्रश्नों का सेट देखा था, अब इसमें फिर से हम 25 प्रश्नों का सेट देखेंगे, क्योंकि गणित और विज्ञान के कंबाइन प्रश्न पूछे गए थे, ठीक ना। तो इन दोनों सेटों से, पार्ट वन और पार्ट टू से, आपके गणित और विज्ञान के सारे 50 प्रश्नों का कवर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए, आने वाले जितनी भी आगे छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाएं हैं आपकी, जैसे छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा आगे होने वाली है आपकी, वन रक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, सम परीक्षक होने वाली है, सभी के लिए आपको वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि किस प्रकार के प्रश्न व्यापक में पूछे जा रहे हैं, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, वो भी देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। साथ में आप यदि एग्जाम दिए हैं आज, तो आप आंसर देख सकते हैं इससे कि आंसर आप कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, आंसर किस प्रकार से होगा। चलिए, 126 नंबर के प्रश्न से आज हम अभी हम शुरू करेंगे। 101 से 125 तक के प्रश्नों को मैंने अभी पहले के वीडियो में कराया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को टच करके आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ बताया गया है 0.8 × 0.8 × 0.8 +0.1 × 0.1 × 0.1 का मान क्या होगा, ठीक ना। इसमें बताया गया है, तो देखिए 0.8 कितने बार है, 3 बार। यहाँ देखिएगा कितने बार है, 3 बार है, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, ठीक। तो 3 बार है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हो आप, 8³, 0.8³ बोले तो बोल सकते हो, ठीक। तो 0.8³ कितना होता है, 8 का क्यूब 8 × 64 होता है, 64 × 8 आपका 64 × 8, मतलब 8 × 3 = 8 × 32 होता है, 8 × 48 = 52, ठीक ना, आपका होता है 512। अब 512 अब दशमलव कितने अंक बाद आएगा, ये है मेन पॉइंट रहता है, 8³ जो होता है आपका वो 512 होता है, ठीक ना। अब देखिए, दशमलव के बाद यहाँ एक है, फिर यहाँ एक है, फिर यहाँ एक है, टोटल कितने अंक है दशमलव के बाद, 3 अंक। तो दशमलव कितने अंक के बाद आएगा, 3 अंक के बाद, तो 1, 2, 3 यहाँ आपका दशमलव आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 0.512। फिर यहाँ क्या है, प्लस है, उसके बाद क्या है, 0.1 × 0.1 × 0.1, ठीक। तो 1 का गुणा कितनों बार कीजिए आप, 1 ही आएगा, ठीक। और दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, तो 1, 2, 3, इसमें भी दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 3 अंक। तो 1 आएगा, उसके बाद 1, उसके बाद इधर दशमलव आपका, ठीक ना। तो 0.1 आएगा, आप कितनों बार गुणा कीजिए उसको, तो 0.001 आएगा, ठीक ना, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक आएगा, तो दशमलव के बाद 2 जीरो लगाएंगे लास्ट में 1, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.513 कितना आएगा, 0.513 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 0.513, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में एल्कोहल की कितनी प्रतिशत होगी, ठीक ना। क्या बोला है इसमें, 40% एल्कोहल है, पहले बताया है कि कोई मिश्रण है 5 लीटर का, कितने का मिश्रण है, 5 लीटर का कोई मिश्रण है, इसमें 40% जो है वो क्या है, एल्कोहल है, ठीक ना, 40% एल्कोहल है, उसमें 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है, 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में अल्कोहल की मात्रा होता है, ठीक ना, 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है, तो कितने लीटर मिश्रण हो जाता है, फिर 6 लीटर हो जाता है, ठीक। अब इसमें इस 6 लीटर में अल्कोहल की प्रतिशत क्या है वो बताना है। पहले देखिए, 5 लीटर में कितना प्रतिशत है, 40%, तो 5 लीटर का 40% कितना होता है, हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक। 5 लीटर का 40%, मतलब 5 × 40/100, ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 20 × 5 = 100 होता है, 20 × 1 = 20, 20 × 2 = 40, कितना आ जाएगा, 2 लीटर। मतलब 5 लीटर के मिश्रण में कितना एल्कोहल है, 5 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल कितना है आपका, 2 लीटर, ठीक ना। अब 6 लीटर मिश्रण हो गया तब वो एल्कोहल तो 2 लीटर ही रहेगा, क्योंकि 1 लीटर पानी मिलाया गया है, ठीक ना, तो 2 लीटर एल्कोहल है, अब समझिएगा, ठीक। टोटल मिश्रण कितना हो गया अपने पास, 5 में 1 मिलाए तो 6 लीटर, 6 लीटर मिश्रण में 2 लीटर एल्कोहल है, ठीक ना, तो ये कितना परसेंट है, मतलब 100 से गुणा कर देंगे, परसेंट जानने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, बस इसको काट दीजिए आप, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा, 100/3 इसको सही के रूप में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ठीक ना, 33 सही, 1/3%, ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ आपका, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक ना, पूछा है लाभ प्रतिशत कितना है।
अब देखिए क्या बोला है, 250 केले बेचने पर, कितने केले बेचने पर, 250 केले बेचने पर, यहाँ रेट नहीं बताया गया है ठीक ना, लेकिन 250 केला कोई दुकानदार बेच रहा है ठीक ना, तो उसको 50 केला का लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, 50 केला का लाभ हो रहा है ठीक। तो हम मान लेते हैं कि एक केला 1 रुपया का है, तो 250 केला कितने रुपए का हो जाएगा, 250 रुपए का, 250 केला 250 रुपए का हो जाएगा, यदि एक केला 1 रुपए का मानेंगे तो 50 केला कितने रुपए का हो जाएगा, 50 रुपए का, मतलब 250 का सामान बेचा दुकान वाला तो 50 रुपए का उसको लाभ हुआ ठीक ना। तो उसने पूंजी कितना लगाया, देखिए 250 में 50 रुपए का लाभ हुआ, तो 250 में 50 को घटा देंगे तो आपका जो निकलेगा ये 200 रुपये क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य मतलब इतना लगा के उसने खरीदा है, क्रय मूल्य मतलब इतना लगा खरीदा है, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर गिनती होता है। तो कितने का लाभ है, 50 का, कितने पे लाभ है, 200 में ठीक ना, 200 में 50 का लाभ है ठीक ना। तो ये कितने परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए A0 से A0 कैंसिल, A0 से A0 कैंसिल, 2 बच्चा 50/2, कितना बचा, 50/2, 50/2 करेंगे आपका 25% आएगा, कितना आएगा 25%। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही हो जाएगा आपका 25% ठीक ना, कितने का लाभ हुआ उसको, 25% का लाभ हुआ ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका, यदि एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या दोनों को 100% बढ़ा दिया जाए तो शंकु का आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा ठीक, शंकु का आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा बोला है ठीक। सबसे पहले तो बोला है 100% बढ़ा दिया जाए, अब 100% बढ़ा दिया जाए का मतलब क्या है, 100% बढ़ा दिया जाए का मतलब है यदि त्रिज्या आर है तो उसको क्या किया जाए, आर स्क्वायर किया जाए, क्या किया जाए, आर स्क्वायर मतलब आर गुणा आर दो बार किया जाए ठीक ना, आर गुणा आर दो बार किया जाए। 100% का मतलब वही होता है कि उसका दुगुना किया जाए, क्या किया जाए, आर गुणा आर नहीं दुगुना किया जाए, सॉरी दुगुना किया जाए ठीक ना, 2R किया जाए। 100% का मतलब है यदि कोई त्रिज्या आर है तो इसको आर प्लस आर दो बार किया जाए ठीक ना, यही होता है आपका 100%। तो इसमें शंकु का आयतन आपका क्या होता है, शंकु का आयतन का सूत्र जो होता है वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आर और एच को किसको, ऊंचाई को, ऊंचाई क्या है एच है, और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या क्या है आर, इसको 100% बढ़ाना है, मतलब क्या करना है, देखिए 1/3 पाई आर को लिखना है 2R ठीक ना, तो 2R का स्क्वायर एच को लिखना है 2H ठीक। तो कितना हो जाएगा ये, देखिए 2R का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 पाई ठीक ना, 4R गुणा 2H, ये होगा 4R गुणा 2H। अब 4 दुना कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ कितना लिख सकते हो आप, 8 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो कितने गुने बढ़ गए आपके, 8 गुना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 8 गुना बढ़ गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 8 गुना बढ़ गया ठीक। चलिए अगला है आपका, 1000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, इससे आप देखिए अपना आंसर मिला सकते हैं। आपको ये अच्छे से समझ ना आ रहा हो तो आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा, आप बताइएगा। यदि आप वन रक्षक में फॉर्म भरे होंगे, आपका जो अभी फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती फॉर्म अभी भरा रहा है उसमें यदि आप फॉर्म भर रहे हैं ठीक ना, आपको तैयारी करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको टॉपिक वाइज तैयारी कराऊंगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा और अच्छे से शेयर कीजिएगा, तभी ऐसा कर पाएंगे ठीक ना, तभी आपको तैयारी कराया जाएगा। टॉपिक वाइज आपका मैथ का हर टॉपिक का अलग अलग लेके जिस जिस टाइप के प्रश्न आते हैं उस टाइप के प्रश्न कराए जाएंगे, समझाए जाएंगे ठीक। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं समझाऊंगा ठीक। देखिए क्या है, 1000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा ठीक ना। तो इसका देखिए राशि कितना है आपका 1000, मतलब मूलधन कितना है आपका 1000, ब्याज कितना है 5%, 5% का मतलब क्या हुआ, 5% को यदि हम पूर्णांक में बांटे तो 5/100 होता है, मतलब 1/20, क्या हुआ 1/20, यही होता है ठीक। अब देखिए 1000 का पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1/20, दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1/20, 1/20 1000 का को 20 से भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका 50 होगा, इधर भी आपका 50 होगा। तो ये दोनों क्या हो गए आपके, पहले साल का साधारण ब्याज या दूसरे साल का साधारण ब्याज, टोटल साधारण ब्याज कितना हो गया अपना 50/50 100 रुपये ठीक ना। सूत्र से निकालते हैं लेकिन बिना सूत्र का ऐसे आप निकाल सकते हो, साधारण ब्याज कितने हो गए 2 साल का 100 रुपये,
अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या होता है आपका, ये जो ब्याज पहले साल का ब्याज 50 रुपये है इसका भी ब्याज लगेगा, ठीक ना। अब इसका ब्याज कितना लगेगा, 1/20 लगेगा, ठीक ना। तो 50 को जब 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 20 × 2 = 40, और फिर 10 लगाएंगे तो 20 × 5 = 100 होगा, ठीक ना। तो 2.5 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये दोनों आपके साधारण ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला, 2.5। तो यही 2.5 रुपये जो है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा आया। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा इसमें, 2.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 2.5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, परागण निम्न में से किसकी विशेषता होती है। तो इसको आप खुद बताइएगा, मेरे को खुद इसका कन्फर्म नहीं है क्योंकि मैं बायो वाला नहीं हूँ, ठीक ना। तो इसको आप खुद पता करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिथाइलेटेड स्पिरिट में होता है, ठीक ना, मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है उसमें कितना होता है मेथेनॉल को पूछ रहा है, ठीक ना। 2% से 5% होता है, 5% से 7%, 10% से 15%, 40% से 50%। कितना होता है आपका, 10% से 15% होता है मेथेनॉल, कितना होता है, 10% से 15% मेथेनॉल होता है मिथाइलेटेड स्पिरिट में। तो ऑप्शन नंबर सी उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, निम्न में कौन सा एक गैर नवीकरणीय, ठीक ना, ऊर्जा स्रोत है, ठीक ना। कौन सा गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय का मतलब क्या हुआ आपका, गैर नवीनकरणीय या नवीनीकरणीय भी होता है, तो यहाँ नवीकरणीय लिखा गया है, ठीक ना। गैर नवीकरणीय का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, ठीक ना, जिसका विशाल भंडार हो। तो कौन सा है, कोयला खत्म होने वाला है, गोबर गैस भी उत्पादन किया जाता है, ज्वारीय ऊर्जा भी उत्पादन किया जाता है, लेकिन सौर ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होता है और ये अनंत असीमित समय तक ये रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो आपका सौर ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, निम्न के मध्य किस में अणुओं की संख्या सर्वाधिक है, ठीक ना, किस में अणुओं की संख्या सर्वाधिक है पूछा जा रहा है आपके पास। तो यहाँ आप कन्फ्यूज में देखिए, आप 44 ग्राम, 48 ग्राम, 64 ग्राम, 8 ग्राम देखेंगे तो कई लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे, ठीक है, ज़्यादा देख के मार दिए होंगे 64 ग्राम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। अणुओं की संख्या ज्ञात करना है, मतलब आपको इसके लिए पता होना चाहिए। जैसे देखिए CO2 है यहाँ, ठीक ना, कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 6 होता है, 6 होता है परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक आपका, 8 होता है, और परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है, ठीक ना। तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 अणु, कितने अणु हैं, O2 है ना, ऑक्सीजन 2 बार है तो एक ही अणु है, ठीक ना। तो एक ही 16 × 2 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक ना। तो 32 × 10 = 42, तो यहीं से हुआ है आपका 44। तो इसमें कितने अणु हैं आपके, देखिए ध्यान से समझिए, तो इसमें कितने अणु है CO2 में आपका, केवल एक अणु है, कितना अणु है, केवल एक अणु, कौन सा अणु है आपका, O2, केवल एक अणु। O2 में O2 48 ग्राम है, ठीक ना, O2 का कितना होता है आपका, 16 × 32, ठीक ना, 16 × 3 = 48, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 × 3 करेंगे तो 48, ठीक ना। 48 में भी अणु कितने हैं, केवल एक अणु है, ठीक ना, और 64 ग्राम इसमें भी आपका एक ही अणु है, लेकिन यहाँ देखिए 8 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, परमाणु भार कितना होता है, 1.... होता है, ठीक ना, लेकिन एक ही मानिए उसको, ठीक, एक होता है। अब H2 का कितना हो गया, H2 एक अणु हुआ ना, H2 एक अणु, तो H2 का भार कितना हो गया, 2 ग्राम, कितना हो गया, 2 ग्राम। यहाँ कितने ग्राम है आपके, 8 ग्राम, 8 ग्राम है, मतलब कितना है, 2 × 4 तब ना 8 ग्राम होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 4 अणु हैं, कितने अणु हैं, 4 अणु हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या किसमें है, 8 ग्राम हाइड्रोजन में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 8 ग्राम हाइड्रोजन में है, ठीक। चलिए अगला है आपका, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है, ठीक ना, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा मानव शरीर में 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, XX 22 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 21वां जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, क्या, 21वां जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है जो कि XY होता है। इसी से आपका पता भी चलता है कि आपका होने वाला संतान लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक ना, इसी से पता चलता है, ठीक। XX
22 जोड़ी पाया जाता है, 23वां जोड़ी एक्स वाई पाया जाता है, तो टोटल 23 जोड़ी पाए जाते हैं। 23 जोड़ी मतलब 23 गुणा 2 कितने हो जाएंगे आपके पास 46। तो कितने जोड़ी गुणसूत्र, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पूछेगा कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थिति है ना, कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत किस में है, तो इसको कैसे निकालते हैं समझिएगा यहाँ। ठीक ना, पहले देखिए इसको हम देखते हैं C2H6 कैसे निकालते हैं। कार्बन का कितना होता है अभी बताया, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार कितना होता है 12। यहाँ क्या है C2 मतलब 12 गुणा 2, क्या है 12 गुणा 2 मतलब 24। ठीक, अब हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन कितना होता है 1। ठीक ना, और भार भी 1 होता है, और हाइड्रोजन है कितना 6, तो कितना हो जाएगा 6। इन टोटल का C2H6 का भार टोटल कितना हो जाएगा 24 6 30, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसमें आपका कार्बन कितना है 24, कार्बन कितना है इसमें 24, तो अपने को कार्बन का परसेंट निकालना है, जिसका परसेंट निकालना है उसको ऊपर, और टोटल जितना भार आ रहा है उसको नीचे, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा। ठीक, ऐसे करेंगे तो परसेंट निकलेगा। अब देखिए काटेंगे कितना आएगा, 6 चक्को 24 आएगा, 6 छंग 36 आएगा, ठीक ना, 2 दूना 4 आएगा, 2 3 6 आएगा आपका। ठीक ना, उस प्रकार से आपका 100 दूना 200 / 3 हो जाएगा इसका, तो 3 7 आपका 3 6 18 हो जाएगा, 2 3 6 18 68.6% आएगा इसमें आपका। ठीक ना, और हमारे पास क्या पूछा है यहाँ, सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थिति किसकी है, तो वैसे आप जब भी निकालेंगे सभी का, ठीक ना, जैसे इसका देखिए C6H14, तो C6 है कार्बन का कितना बताया था, परमाणु भार 12 होता है, 6 है तो 12 6 आपका 72 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना है आपका, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 14 है, तो आपका 14 × 14 हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे कितना हो गया, 72 10 82 4 86 हो जाएगा। ठीक, अब कितना किसका निकालना है, कार्बन का, कार्बन है कितना 72, और टोटल है कितना आपका 82। ठीक ना, तो यहाँ गुणा 100 कर दीजिए, यहाँ से आपका परसेंट निकल जाएगा, इसको हल करेंगे जो निकलेगा आपका परसेंट हो जाएगा। इस प्रकार से जब आप निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंट किसका आएगा आपका, इसमें आएगा ना, सबसे ज़्यादा परसेंट आपका ऑप्शन नंबर सी में आएगा, C6H12 में। ठीक ना, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, एक धातु के नाइट्राइट का सूत्र, आपको उसमें टाइम नहीं लगेगा, देखिए टाइम लगेगा थोड़ा सा, कैलकुलेटिव है। ठीक, लेकिन अब जितनी स्पीड से उसको गणना करेंगे उतना जल्दी हो जाएगा, आपको बताने में टाइम लगता है, खुद से करेंगे तो टाइम नहीं लगता है, टाइम बहुत था आपका। देखिए 120 प्रश्न थे आपके, सॉरी 150 प्रश्न थे आपके पास, 180 मिनट टाइम था। ठीक ना, तो 1 मिनट से ज़्यादा समय था, समय काफ़ी होता है, केवल आपको अच्छे से आने चाहिए प्रश्न। ठीक ना, फिर ये समय आपका बहुत ही काफ़ी हो जाता है, समय कम नहीं पड़ता है, केवल आपको आएगा तब। ठीक, चलिए देखिए, एक धातु के नाइट्राइट का सूत्र MN है, तो इसके सल्फेट का सूत्र क्या होगा, तो धातु के सल्फेट का सूत्र होता है MSO4, क्या होता है MSO4 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, धातु के सल्फेट का सूत्र आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, 4 ओम प्रतिरोध की एक तार से यदि 100 जूल प्रति सेकेंड ऊष्मा मुक्त होती है, तो तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर होगा, ठीक ना, विभवांतर होगा पूछा है, तो इसका याद रखिएगा एक सूत्र होता है V² = ER। ई क्या है, यहाँ ऊर्जा है आपका, क्या हो है ऊर्जा, ऊष्मा, जो भी बोलो आप, जैसे देखिए जो ऊष्मा मुक्त होती है ना, यही है आपका ई। आर क्या है यहाँ आपका, आर है आपका प्रतिरोध रजिस्टेंस। भी क्या है, भी है आपका विभवांतर, क्या है विभवांतर, ये सूत्र आपका निकलता है। ठीक ना, ये सूत्र निकलता है, अभी मैं स्टेप बताऊंगा तो लंबा लगेगा, निकलता है। ठीक, यहाँ V² का मान ज्ञात करना है, E का मान दिया हुआ है आपके पास 100, और R का मान दिया हुआ है 4, 100 × 4 कर देते हैं तो यहाँ 400 हो जाता है, और यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ वर्गमूल लग जाता है। ठीक ना, तो 400 किसका वर्गमूल है, 20 का, 20 × 400, तो विभवांतर का मान कितना है यहाँ 20 वोल्ट, कितना है यहाँ 20 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 20 वोल्ट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, 6 के प्रथम 13 गुर्जों का योग है। ठीक ना, 6 के प्रथम 13 गुर्जों का योग कितना है, देखिए 6 के प्रथम 13 गुर्ज कौन कौन से होंगे, 6 12
18, इस प्रकार से 13 बार करेंगे, क्या करेंगे 13 बार, 13 बार करेंगे तो कितना आएगा, 6 गुणा 13 में जो आएगा वही आएगा, 6 के गुणा जो है तो 6 गुणा 13 में कितना आता है 78 आता है, तो अंतिम अक्षर कौन सा आएगा 78 आएगा, ठीक 78। वह आपने समांतर श्रेणी में एक देखिए सभी का अंतर कितना है इसमें घटाएंगे तो 6 6 है, सभी में 6 6 का अंतर जा रहा है क्योंकि 6 के गुणज हैं, तो समांतर श्रेणी में एक सूत्र पढ़े होंगे आप पदों का योग का, क्या होता है पदों का योग का सूत्र होता है एन बाई टू ए प्लस यल, क्या होता है एन बाई टू ए प्लस यल, एन क्या है पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है 13, तो यहाँ क्या लिखेंगे 13/2। उसके बाद ए क्या है आपका प्रथम संख्या, प्रथम संख्या कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। उसके बाद क्या होता है एल क्या होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितना है आपका 78, तो यहाँ लिखेंगे 78, ठीक। बस अब इसको आप हल कर दीजिए, देखिए 13/2 है, उसके बाद 78 और 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 84, ठीक ना। अब 84 को 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 42 दूना 84 हो जाएगा, बचा अपने पास 42 × 13, कितना बचा 42 × 13 बचा, इसको करेंगे 13 × 26 हो जाएगा आपका 2, 13 × 52 और 2 × 54 हो जाएगा, कितना आ गया आपका 546, कितना आ गया 546, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 546। चलिए अगला है आपका दो संख्याओं का योगफल 23 है तथा गुणनफल 120 है, उनका निरपेक्ष अंतर बताइए, क्या दिया है हमारे पास, दिया हुआ है कि ए गुणा बी दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, यही दिया हुआ है ए गुणा बी, आगे बोला है दो संख्याओं का योगफल मतलब ए प्लस बी बराबर 23 है, हमको निकालना है ए माइनस बी का मान, क्या निकालना है ए माइनस बी का मान, तो जब भी ऐसा बोले आपको एक सूत्र लगाना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसको आप हल करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही आएगा, ठीक। अब देखिए a प्लस बी का मान अपने पास कितना दिया हुआ है 23, यहाँ 23 का होल स्क्वायर हो जाएगा, आगे माइनस है आपका, उसके बाद 4ab दिया हुआ है, 4 का यहाँ 4 हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, a गुणा b का मान 120 दिया हुआ है तो 120 लिख देते हैं। अब देखिए 23 का जब स्क्वायर करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 23 × 69 हो जाएगा, 23 × 46 = 52 कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 4 × 120 करेंगे 12 × 48 आपका 480 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 में 0 जाएगा 9 हो जाएगा, 12 में 8 जाएगा आपका 4 हो जाएगा, कितना बचेगा 49। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान है, ठीक ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना निकला 49, तो a माइनस बी बराबर कितना निकलेगा रूट में 49, कितना रूट में 49। अब रूट में निकालेंगे तो a माइनस बी 49 किसका वर्ग है 7 का, तो a माइनस बी का मान कितना आया 7, मतलब a व b का अंतर कितना आया 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका 7, ठीक। चलिए अगला है आपके पास यदि यन 3 से विभाजित होने पर शेषफल, यन 3 से विभाजित होने पर शेषफल यन 1 है 1 है, तो एन स्क्वायर को 3 से विभाजित करने पर शेषफल होगा क्या होगा, ठीक ना। देखिए यन को जब 3 से भाग देते हैं जिससे यन 3/n करते हैं तो शेषफल कितना आता है आपका 1 आता है, ठीक। पूछ रहा है कि यन स्क्वायर को जब 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो इसको आप यन को कोई संख्या मान के आप खुद चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए 4 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल 1 आएगा, आएगा। अब 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 को 3 से भाग देते हैं तो कितना आएगा एक ही शेषफल आएगा, आएगा ना एक ही शेषफल। तो इस प्रकार से आप संख्या कोई मान लीजिएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा, तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, एक ही शेषफल आएगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका एक सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग है तथा 6, 7, 8 प्रत्येक से विभाजित होता है होगा, ना क्या बोला है एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मतलब छोटा से छोटा धनात्मक मान होना चाहिए कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग है, क्या है पूर्ण वर्ग है और 6, 7, 8 प्रत्येक से विभाजित होता है, ठीक है ना। 6, 7, 8 प्रत्येक से क्या होता है विभाजित होता है, 6, 7, 8 तीनों से विभाजित कौन होगा, तो देखिए 6, 7, 8 तीनों से विभाजित करने के लिए इन तीनों का लसा निकालोगे, क्या करेंगे हम लसा निकालेंगे, जैसे ही लसा निकालेंगे 8 × 7 = 56 हो जाएगा और यहाँ 3 बचेगा, 56 × 50 = 150, 156 × 18 = 168 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 168 है, तीनों का लसा कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। अब आपको देखना है कौन सा संख्या 168 से विभाज्य हो रहा है,
और फिर किसको देखना है आपको? आपको देखना है छोटा से छोटा संख्या, ठीक ना। सबसे छोटा कौन है? 1764, ठीक ना। तो इसको आपको देखना है कि क्या 1764 168 से विभाजित हो रहा है, नहीं होगा ये मैं बता रहा हूँ, ये भी नहीं होगा आपका मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो 3192 है, क्योंकि छोटा से देखेंगे ना, छोटा पहले 1764 है, फिर 2856, फिर 3192 है, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक ना। बाकी ये सही आपको करना है इसमें। अगला है आपका, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा, ठीक ना। ए की चाल कितनी है? समझिए क्या बोल रहा है, 30 किलोमीटर का कोई दूरी है, क्या है? 30 किलोमीटर का कोई दूरी है, ठीक ना। 30 किलोमीटर का इसमें क्या हो रहा है आपका, ए जो है बी से 2 घंटे अधिक लेता है। कौन अधिक लेता है? ए किससे? बी से। तो मान लेते हैं बी कितना लेता है, मान लेते हैं बी का 1 सेकेंड, 30 किलोमीटर का कोई दूरी है, ठीक ना। मान लेते हैं बी कितना लेता है, एक्स लेता है, बी एक्स लेता है, ठीक। तो ए क्या करता है, ए जो है बी से 2 घंटे अधिक लेता है, तो ए कितना लेगा? बी से 2 घंटे अधिक मतलब x+2 समय लेगा, ठीक ना, क्योंकि बी एक्स ले रहा है। तो यदि ए अपनी चाल दुगुनी कर दे, ए अपनी चाल दुगुनी कर दे मतलब इसको 2 गुना कर देते हैं, ठीक, तो दूरी तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा, तब क्या होगा? मतलब यदि हम x+2 का 2 गुना कर देते हैं तो जो है बी से 1 घंटा कम लेगा। बी कितना ले रहा है? एक्स ले रहा है, तो बी से 1 घंटा कम लेगा मतलब बी में एक और जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक। तो बस ये दोनों बराबर हो गए, इसको हल करके एक्स का मान ले लाते हैं, उसके बाद आपका एक का मान निकल जाएगा। देखिए इसको हल करते हैं कितना आ जाएगा, 2 का अंतर गुणा होगा तो 2x+4 हो जाएगा बराबर x+1 होगा। अब एक्स को इधर पक्षांतर कर देंगे तो एक्स बराबर आपका निकल के आएगा 3, एक्स बराबर निकलेगा 3, ठीक ना। और ए का मान कितना है? x+2 मान है ए का मान, तो 3 में 2 जोड़ देंगे तो 3 2 आपका हो जाएगा 5। इस प्रकार से 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी, ठीक ना। कितना दिया हुआ है? 1386 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। अभी मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को आपको मीटर प्रति सेकेंड में कैसे चेंज करना है, कैसे करना है। 1386 को आप गुणा कर दोगे 5/18 से तो ये चेंज हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड में। 5/18 से कर दिए तो 18 से इसको भाग दे दीजिए, 18 एकम 18, 18 सत्ते 126 बचा 12, 18 सत्ते 126 कितना हो गया? 77 गुणा 5, 77 गुणा 5 इसको हल करते हैं तो 7 5 35, 7 में 3, 7 5 35 3 38 कितना हो गया आपका? 385 मीटर। कितना हुआ? 385 मीटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 385 मीटर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63, 4 की घात 64 निम्न में से किससे विभाज्य है? तो ऐसे जब भी आपके पास प्रश्न आए आप क्या करोगे, जो सबसे छोटा है उसको कॉमन लोगे। क्या करोगे मतलब सबसे छोटा ऐसा संख्या कॉमन लो जो पूर्णांक संख्या हो, ठीक ना। जैसे देखिए सबसे छोटा कितना है यहाँ? 4 की घात 61। टाइम देख सकते हैं कितना टाइम वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ना। आपका 12 बजने वाला है शाम, ठीक ना, 11:38 हो गया है, आपके चलते बनाया जा रहा है, ठीक। देखिए तो आपका फर्ज है, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे छोटा कितना है? 4 की घात 61। अब 4 की घात 61 है तो इसमें कॉमन क्या लिख सकते हैं हम? 4 की घात 60। क्या लिख सकते हैं? 4 की घात 60। अब 4 की घात 60 यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका? 4 की घात 1, फिर कितना बचेगा? 4 की घात 2, फिर कितना बचेगा? 4 की घात 3, फिर कितना बचेगा? 4 की घात 4। इस प्रकार से चारों बचेंगे, ठीक। अब देखिए अब आप इसको कर, 4 की घात 1 मतलब 4 एकम 4, 4 की घात 2 मतलब 4 चको 16, 4 की घात 3 मतलब 4 चको 16 चको 64, ठीक ना। और 4 की घात 4 मतलब क्या हो जाएगा? 4 चको 16 चको 64, 64 चको कितना होता है? 4 चको 16 हो जाएगा, 6 चको 24 हो 25 हो जाएगा 256, ठीक।
अब इन अंदर के सभी को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 10 6 16 16 4 20 2, ठीक ना। उसके बाद आपका 5 5 6 11 11 1 12 12 2 14, ठीक। उसके बाद आपका हो जाएगा 2 2 1 3, कितना हो गया, 340। अब देखिए किससे विभाज्य हो रहा है, जिससे विभाज्य है हो रहा है वो ये संख्या उसी से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य होगा क्या, ये नहीं होगा, सिंपल सी बात, 3 एकम 3 4 आवे निकलेगा 3 के 12 में। 10 से विभाज्य हो जाएगा, 11 से विभाज्य होगा क्या, नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 10 से होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 10, ठीक। चलिए अगला है आपका, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत की हानि होती है। जैसे जब भी आपके पास इस टाइप के प्रश्न आए, एक में आपके पास वृद्धि, एक में कमी बताए, वो भी आपके सेम हो, तो आपको एक सूत्र याद रखना है, x² / 100, क्या करना है, x² / 100, और हमेशा आपका हानि होगा, ठीक ना। और वही बोला है कि कितने परसेंट की हानि होगी, x² मतलब एक ही मान है आपका, ये लाभ और हानि दोनों समान मान है, ठीक ना। तो देखिए 20% लाभ 20% हानि, तो क्या करेंगे, 20 × 20 बट्टा में करेंगे 100, ठीक। 0 से 0 कैंसिल है, 0 से ये वाला 0 कैंसिल, ठीक ना। कितना बचा, 2 × 2 / 1 मतलब 4 / 1 मतलब 4, कितना हो गया, 4%, कितना हुआ, 4%, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 4%, ठीक। चलिए अगला है आपका, मशरूम खाली स्थान के प्रचुर स्रोत हैं, मतलब मशरूम में क्या पाया जाता है, मशरूम में आपका प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन का मशरूम प्रचुर स्रोत है, बाकी मशरूम में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, लवण भी पाए जाते हैं, ठीक ना, लेकिन इसमें प्रोटीन जो है हाई प्रोटीन पाया जाता है, इससे कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बताते थे, ठीक ना, इससे दवाइयाँ भी बनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन के प्रचुर स्रोत है। अगला है आपका, यदि पेट आमाशय कोई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन न करे तो कौन सा एंजाइम कार्य नहीं करेगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में क्या काम करता है, इसमें बोल रहा है, ठीक ना, कि यदि वो न जाए तो कौन सा एंजाइम कार्य करना बंद कर देगा, नहीं करेगा, ठीक। तो है आपका पेप्सिन, कौन सा है, पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, पेप्सिन जो एंजाइम है वो कार्य करना बंद कर देगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला है आपका, निम्न में से प्रकाश का कौन सा तरंग दैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक अवशोषण होता है, कौन सा प्रकाश का कौन सा तरंग दैर्ध्य, कौन सा रंग प्रकाश के संश्लेषण के सर्वाधिक अवशोषण होता है, वो होता है आपका हरा रंग, कौन सा होता है, हरा रंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जिसके कारण पत्तियों का रंग, पौधों के पत्तियों का रंग क्या होता है, पीला होता है, इसी कारण पौधों के पत्तियों का रंग पीला होता है, क्लोरोफिल, सुना होगा आपने, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक ना, तो हरा प्रकाश ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त के प्रति 100 ml में उपस्थित ग्रामों में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, तो ये कितनी होती है, यहाँ स्वस्थ मनुष्य बोल दिया है, पुरुष या महिला बताना चाहिए था इसको, लेकिन चलिए तब वो औसतन आपका 14.5 होगा, ठीक ना, क्योंकि महिला में 12 से 14 ग्राम होते हैं, पुरुष में 14 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक ना, स्वस्थ मनुष्य में, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml दे दिया गया है, फॉर्मेलिटी के लिए है, बाकी कोई पर्सनल 100 ml में मात्रा हीमोग्लोबिन की नहीं होती है, ठीक, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, इसमें 14.5 ग्राम। तो इस प्रकार से देखिए आपके 150 प्रश्न समाप्त हुए, यहाँ देखिए 150 प्रश्न, तो अभी हमने 126 से 150 प्रश्नों को देखा, कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे आपको किस सब्जेक्ट से वीडियो चाहिए, या फिर वन रक्षक की तैयारी आपको करनी है या नहीं करनी है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना, और उसकी तैयारी कैसे करनी है, टॉपिक वाइज करनी है या डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट करनी है, सारा जानकारी आप बताइएगा, मैं बोर्ड भी आपको कम्युनिटी में एक डाल दिया हूँ, उसमें भी आप वोट नहीं करते हो, केवल मैं बोला था कम से कम 400-500 वोट पहुँचने चाहिए, यहाँ अभी तक 135 वोट ही पहुँचे हैं, ठीक ना, तो आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी तक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।